हेलो मेरे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग मौसम बहुत अच्छा है बारिश हो रही है है ना तो पढ़ाई के लिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है गुड न्यूज़ ये भी है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट पाँच अगस्त से हो गई है शायद प्रपोज डेट आई है है ना तो आपको कुछ समय मिल गया है और ज़्यादा एम सॉल्व करने का तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिफ्टी एम एज़ पर टेक्निकल बोर्ड 2021 का मॉडल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सभी बच्चे कई दिनों से कह रहे थे सर इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए तो बच्चों मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को करने से पहले कॉपी पेन ले बैठिए ये मान के चलिए कि आपका फाइनल पेपर है नब्बे मिनट का फाइनल पेपर होगा तो 90 मिनट ना मान के उसको 80 मिनट मानिए 10 मिनट पहले आप सबमिट कर दीजिए अदरवाइज़ किसी तरह की इंटरनेट की समस्या हुई कोई भी लॉगआउट हो गया अगर गलती से तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ओके तो 80 मिनट का मान के चलिए और इसको करके देखिए जब तक 50 के 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाते तब तक आप वीडियो बार बार देखते रहिए इतने बार देखिए कि ये पचासो क्वेश्चन रट जाएं और इसमें से अगर चालीस क्वेश्चन भी फाइनल एग्जाम में मिल जाते हैं तो आंख बंद करके आप लगा दीजिए बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा ओके तो पहला क्वेश्चन है इनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस ये क्या है कौन सा एजुकेशन कैसा प्रोसेस है क्या क्या होता है इसमें तो ऑप्शन हमारा अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इशू इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक एक्शन टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट तो बच्चों इसमें जो है अलाउ इंडिविजल टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इशू सभी को जो है इन्वायरमेंटल ईशू एक्सप्लोर करने करना चाहिए ठीक है करने की परमिशन है टेक एक्शन टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट सभी को इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना करना चाहिए पेड़ लगाने चाहिए पेड़ कम काटने चाहिए है ना तो ये सारी चीज़ें हैं फॉरेस्टेशन करना चाहिए डिफोरेस्टेशन से बचाना चाहिए लोगों को जागरूक करना चाहिए पॉल्यूशन कम करना चाहिए ठीक तो ये सारी चीज़ें क्या है एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं यानी ऑप्शन या हमारा डी जो है ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक अच्छा बच्चों क्या होता है दिमाग में कभी कभी क्या है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी हो सकता है बिल्कुल लेकिन जब आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है मान लिया एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आप लड़ने जाओगे एग्जाम में जब भी देखो मल्टीपल चॉइस होता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसी पे ही आपको टिक करना होता है ठीक है बच्चों नेक्स्ट है हमारा इन्वायमेंटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इसमें से एयर पॉल्यूशन का सोर्स कौन सा नहीं है ऑप्शन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट पावर प्लांट बर्निंग ऑफ वुड या विंड मिल तो बच्चों हमने देखा विंड मिल जो है विंड मिल में किसी तरह का कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता है यानी ये कोई सोर्स नहीं है यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ओके okay? फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर री यूज ऑफ वाटर रिड्यूस ऑफ वाटर रिसाइकिल ऑफ वाटर डी है रिप्लेस ऑफ वाटर तो बच्चों हम री करते हैं वाटर का कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए वाटर के कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन रिप्लेस इज नॉट द मेथड है ना टू कंजर्व द वाटर तो डी ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज़ ए है ऑपटेंड फ्रॉम रिवर प्योर वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग ऑप्टेंड फ्रॉम लेक यूज ओनली फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स तो बच्चों जो पोर्टेबल वाटर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं पी सकते हैं है ना अब क्या है हो सकता है पॉइंट क्या यूज ओनली फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स क्लॉथ्स भी वॉश कर सकते हैं है ना लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है सी प्योर वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग यानी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर बच्चों देखो मल्टीपल चॉइस में बहुत कंफ्यूजन होता है आपको लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है बहुत करीबी मामला होता है तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको ही आपको करना है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस वाटर वेपर्स नाइट्रोजन गैस तो बच्चों जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया आपका ऑर्गन आपका है है ना तो ये ऑप्शन अलग अलग दिए जा सकते हैं कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन ये मान लिया ऑक्सीजन रख दे है? या ऑर्गन रख दे तो ये तीनों क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मीथेन और वाटर आर द ग्रीन हाउस गैस यानी हमारा जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर ओके अब एनर्जी इन एको सिस्टम इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें एनर्जी रिलीज होती है एब्जॉर्ब होती है या फ्लो होती है या कुछ भी नहीं होती तो बच्चों जो हमारी एनर्जी होती है आपने पिरामिड देखा होगा इकोसिस्टम का एनर्जी पिरामिड पढ़ा होगा उसमें क्या है फ्लो होती है एनर्जी क्या होती है फ्लो होती है है ना तो सुना भी होगा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड है ना तो एनर्जी इज़ फ्लोइंग यानी फ्लो होती है इकोसिस्टम में एक तरफ से दूसरी तरफ फिर ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई सेल्फ नर्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ड्राइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट सी मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो बच्चों जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या होते हैं ऑटोट्रॉप मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं है ना यानी सेल्फ़ नर्सिंग ऑर्गेनिज्म भी हैं और खाना कहाँ से बनाते हैं ड्राइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फिर क्या है मेक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी नरिशमेंट मिल रहा है उनको अर्थ से उसको क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके वो अपना खाना बनाते हैं यानी ऑल ऑफ द एबर यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके अब जैसे ऑटोट्रॉफ है अब देखो बच्चों जब इस ऑप्शन को आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से दो या तीन बार ये मत देखो केवल कि हमने ऑल पे टिक कर दिया इसका तो डी आंसर सही है ओके हो सकता है वहाँ पे ऑटोट्रॉफ पूछा जाए और ये जो चार तीनों सही हैं ऑप्शन वहाँ पर तीन दो ऑप्शन गलत दे दे या तीन ऑप्शन गलत दे दे इसमें सेल्फ नर्सिंग ऑर्गेनिज्म उसमें पॉइंट कर दे तो इसको आपको टिक करना होगा या ड्राइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाकी के ऑप्शन अलग कर दे तो ये आपको टिक करना मतलब ये मान के चलिए इस एक क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं इस पैटर्न पे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे है ना क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो कुछ भी पूछा जा सकता है उसका एरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है ओके नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर कॉल्ड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे इकोसिस्टम का उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पिरामिड ऑफ नंबर्स पिरामिड पिरामिड ऑफ ऑफ बायोमास या, या नन। तो बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पिरामिड ऑफ बायोमास से रिप्रेजेंट किया जाता है ये उसका पैरामीटर होता है ओके फिर नेक्स्ट है इन इंडिया प्रीडोमिनेट सोर्स ऑफ कॉमर्सियल एनर्जी इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वैसे तो देखो जितने है, सारे हैं है ना कोल भी है ऑयल भी है नेचुरल गैस भी है न्यूक्लियर पावर भी है ठीक तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लेकिन कॉमर्शियल एनर्जी के फॉर्म में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों वो है हमारा कोल कोयला जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है किसमें कॉमर्शियल एनर्जी के ठीक तो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिवर्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स को रिन्यू किया जा सकता है सोलर एनर्जी हो सकती है विंड पावर को कर सकते हैं और लेकिन जो सोलर कुकरस है जो एनर्जी यूज़ हो गई सोलर कुकर में उसको हम रिन्यूवल नहीं कर सकते यानी डी ऑप्शन हमारा सही देखो क्या है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल एजुकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ध्यान से देखोगे और कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आराम से आप बड़े आराम से कर सकते हो ठीक तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इन्वामेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन ये जो वर्ल्ड इन्वामेंट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो बच्चों ऑप्शन पाँच मई फाइव जून एटीन जुलाई एटीन सेप्टेम्बर तो बच्चों जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है अभी कुछ दिन पहले सेलिब्रेट हुआ था अगर याद हो जब पेड़ पौधे लगाए गए थे फाइफ जून याद रखना है ना गर्मियों की छुट्टी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इससे याद रखना और गर्मियों की छुट्टी जून में होती है ना ओके okay. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर अफसोस की बात है भाई कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑप्शन क्या है चिनाब नदी कावेरी नदी गंगा यमुना तो बच्चों सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा किस पे किया है साफ़ करने में सबसे ज़्यादा बजट किसका है गंगा नदी का तो बजट ज़्यादा उसी का होगा जो पॉल्यूटेड सबसे ज्यादा होगी ओके नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ यूज़ फॉर रिड्यूसिंग देन टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर तो जो टी हमारा है उसको रिड्यूस करने के लिए बेटा कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है नेक्स्ट है हमारा सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन है ऑस्मोसिस आयन एक्सचेंज डिस्टिलेशन एंड बी एंड सी तो बच्चों हमारा जो है आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर ओके यानी कि डी ऑप्शन इज द सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन अब वाटर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा ए फॉरेस्टेशन ए फॉरेस्टेशन मतलब ढेर सारे फॉरेस्ट लगाए जाएँ पेड़ लगाए जाएँ ऑयल रिफाइनरीज पेपर फैक्ट्रीज़ तो वाटर पोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली यही दो ऑप्शन हमारे पास सही लग रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज से का जो वेस्ट होता है वो जो पानी में जाता है नदियों में जाता है पेपर फैक्ट्रीज़ में जो निकलता है पेपर बनाने के लिए है ना तो ये सब कहाँ पे जाता है न, नदी न, ना, नदी ना नाले के थ्रू नदियों में जाता है नदियों से मिलता है यानी ये मेन कॉज होता है वाटर पॉल्यूशन का यानी बी एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्डर कंपाउंड इज गिवन सैम्पल ऑफ वाटर तो बच्चों थोड़ा तो सा टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है जो कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपाउंड जो पानी दिया गया है उसमें जो ऑर्डर आ रही स्मेल आ रही है उसमें कितना अमाउंट है इस टेक्निक को क्या बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेटलिंग फ्लसिंग क्लोरिनेशन तो बच्चों ये स्ट्रिपिंग टेक्निक होता है जिसके थ्रू क्या है पता लगाया जा सकता है कि जो पानी की ऑर्डर ऑर्डर आ रही है उसमें जो कंपाउंड है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है या कितना अमाउंट में है ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन आता है है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से देखना सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है ओके तो ये सारे क्या हैं आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो ओजोन है हमारा दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ध्यान रखना हो सकता है कहीं पे आठ चार छः सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दे दें और प्राइमरी पॉल्यूटेंट इनमें से पूछ ले और पूछें प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है ओके okay, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन जब भी हो ऑप्शनल तो इनको एक नहीं चार ऑप्शन है यानी चार क्वेश्चन तैयार होने चाहिए आपके ओके okay, अब तो आपके पास समय भी है और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है देखिए लगभग 200 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के आप तक पहुंचा दिए हैं उसको बार बार तब तक सॉल्व कीजिए जब तक 100 परसेंट हो सकता है एक क्वेश्चन जो आपका छूट गया है वही आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और उसी से मामला गड़बड़ हो जाए हैं जितने दिए हैं उसको दो दो चार चार पाँच पाँच बार आप सॉल्व कीजिए छः छः बार सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर देखिए और उसको ऐसा नहीं है कि हंड्रेड हो गए तो रुक जाइए फिर अगले दिन देखिए हंड्रेड परसेंट हो रहे हैं ऐसा तो नहीं भूल गए हो इतने बार करो ठीक उसी तरह से कोलोजी के भी पचास क्वेश्चन हो गए हैं पचास क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी की भी हो गए हैं एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये इन्वायरमेंटल के भी पचास क्वेश्चन मैं दिए दे रहा हूं इनको भी आप बहुत अच्छे से लिए फिर हो सकता है शाम तक जूरी स्पूडेंस का भी मिल जाए पचास क्वेश्चन ऑर्कोलॉजी के मिल जाए डी एस बी एम का भी आपका तैयार हो रहा है तैयार हो रहा है सारे क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है ओके लेकिन शर्त एक एक गारंटी लेता हूँ पास कराने की लेकिन शर्त सिर्फ एक है एक भी क्वेश्चन इतने बार जब तक एग्जाम ना हो जाए डेली दिन में चार चार पांच पांच बार इनको सॉल्व कीजिए कि एग्जाम तक बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए ब्रेन नहीं सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से काम होना चाहिए मतलब ब्रेन यूज ही ना करना पड़े जैसे ऑप्शन देखो टिक स्पाइनल कॉर्ड तक रट जाना चाहिए ओके okay, बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इस्म बच्चों दो साल पहले स्मोग आया था है ना तो ये हुआ था भाई किसानों ने पराली जला दी है उसकी वजह से स्मोग है तो ऐसा नहीं है स्मोग की कुछ वजह होती है है ना क्या होती है इस ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा डिराइव्ड फ्रॉम फॉग Derived from स्मोग derived फ्रॉम वाटर vapors. तो बच्चों जब ठंडियों में ही स्म आता है जब फॉग ज़्यादा होता है और कहीं से कुछ धुआँ टाइप का मिल जाए तो वो क्या होगा फॉग की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उस पर सेटल हो जाता है फॉग में आपके क्या भाई देखो वाटर वेपर्स प्लस सेटल्ड क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल्स तो यानी कि ए और बी ऑप्शन हमारा सही है स्मोग मिल गया तो अंधेरा सा छा जाता है ठीक नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाई स्म अगर स्मोग है तो उससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं अब देखो अब ये इस तरह के क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ट्रिकी हो गए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ए ऑप्शन आपका क्या है रिकेट्स देखो मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है कभी फंस जाना तो अब रिकेट्स आपका स्मोग से होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता चल पा रहा है, है ना मान लिया नहीं पता चल गया अगर पता है तो अच्छी बात है बी है ब्रोंकाइटिस सी है ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ऑप्शन डी है ऑल <coughs> तो बच्चों जो इस्म है वो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी के लंग्स में जाता है यानी ब्रोंकाइटिस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो स्मोक से हो सकती है अब डाउट ये है कि रिकेट्स होगा कि नहीं होगा तो बच्चों एक चीज़ तो पक्की है कि बी और सी तो फिक्स है लेकिन बी एंड सी का ऑप्शन नहीं है तो दोनों को कंसीडर करने के लिए ऑप्शन कौन सा है ऑल यानी यानी कि अगर ये दो हैं तो क्रिकेट्स भी आपका ऑप्शन उसी में होगा यानी आपका आंसर ऑल सही है इस तरह आप जो है अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो नेक्स्ट स्मोग है फ्यूम्स है ऐश है यानी राख है ना डस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर मेन सोर्स ऑफ तो भाई ये क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं या नन है तो बच्चों ये क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर मिला दो सल्फर ऑक्साइड मिला दो जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड था यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड भी है तो ये क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी में क्या था आपके ओजोन था ओके okay? तो इस इसपे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों बहुत ध्यान से देखना नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्लेज़ अ मेजर रोल इन पोल्यूटिंग एयर एंड इनक्रीजिंग एयर पोल्यूशन तो बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन है क्या है कि कौन कौन से हैं जो एयर पोल्यूशन को इनक्रीज़ करते हैं मे तो ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी जो ईट के भट्टे होते हैं गैस इंडस्ट्रीज़ बहुत धुआँ छोड़ती हैं इलेक्ट्रिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिक गुड्स बनते हैं तो ये सारे के सारे ऑल यानी ये सारे के सारे क्या है बच्चों हमारे एयर पॉल्यूशन जहाँ पे जो भी जो है अपना रेसिड्यू जो है हवा में छोड़ते हैं गैस के फॉर्म में इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं पोल्यूट कर रहे हैं तो वो हमारे एयर पॉल्यूशन को इनक्रीज करते हैं ओके okay? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्लेज अ मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग एयर सॉरी ये तो वही हो गया ना नॉइस इज अब नॉइस क्या है बच्चों अनवांटेड नॉइस है इरिटेंट है सोर्स ऑफ स्ट्रेस है ऑल है तो ये नॉइस क्या है ये सभी है इरिटेशन भी कॉज करती है अनवांटेड नॉइज भी है मतलब जो ज़रूरत की नहीं है सोर्स ऑफ स्ट्रेस बढ़ाती है यानी ऑल नेक्स्ट है स्केल इज़ यूज फॉर लाउडनेस ऑफ साउंड और नॉइस जो बच्चों ये हमारी लाउडनेस ऑफ साउंड आवाज़ कितनी ज़्यादा है इसको जो हम मेज़र करते हैं उसके लिए एक स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक स्केल क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक स्केल यानी ए ऑप्शन हमारा सही है है ना नेक्स्ट है द वर्ड इन्वायरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम तो ये जो इन्वायरमेंट है वो बेटा कहाँ से डराइव हुआ है तो जो इन्वायरमेंट है बच्चों इंग्लिश चाइनीज स्पेनिश फ्रेंच तो बच्चों ये एक फ्रेंच वर्ड है जो इन ई एन मैंने अंडरलाइन देखो कर रखी है इन वायरॉन टर्म से लिया गया है तो कैसा वर्ड है फ्रेंच वर्ड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना विच इज़ मेन प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम बड़े बड़े डैम बनाने में प्रॉब्लम्स क्या है मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है तो ये है सीरियस इम्पैक्ट ऑन रिवर बेस्ड इकोसिसटम जाहिर सी बात है जो रिवर के अंदर का इकोसस्टम है वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर पीपल्स जो उसके आस के लोग जंगलों में आस पास रहते हैं उनको क्या दूसरी जगह घर बना के देना या उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रॉब्लम है लॉस ऑफ फ्लोराफाना जो उस जंगल में या वहाँ पे जहाँ पे डैम बनाया जा रहा है वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे जो जीव जंतु जानवर हैं उन सबको प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों तो इसमें डी ऑप्शन होगा उसमें बाई मिस्टेक क्या है ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ इनर्जी इन इकोसिस्टम कैसी होती भाई इनर्जी की जो इकोसिस्टम होती है इनर्जी ऑफ पिरामिड होता है वो कैसा होता है इन्वर्टेड होता है कि लीनियर होता है कि इरेगुलर होता है तो बच्चों बताओ ये कैसा होता है ध्यान से बताओ बच्चों तो वो क्या होता है हमारा देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है यानी कि कैसा होता है अपराइट है ना कैसा होगा अपराइट ओके okay, तो कलर चेंज कर लें तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए ध्यान दिया होगा आपने लोगों ने इन्हें अगर पिरामिड देखा हो तो जब पढ़ाई की होगी तो आपने देखा है कि कुछ इस तरह का इकोसिस्टम हमारा होता है है ना तो

तो इस अथॉरिटी को कौन हेड कर सकता है तो ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट तो चीफ मिनिस्टर तो हो ही नहीं सकता है ना प्रेसिडेंट भी ये काम नहीं करते अब दो बचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसमें जो हेड होता है जो चीफ होता है जिनके थ्रू जो है वो जारी किया जाता है मेन जो होता है वो होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर यानी कि जैसे कि मोदी जी है ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हो कि आप जैसे उड़ीसा में बाढ़ आ गई तो मोदी जी ने क्या किया पैकेज एलॉन कर दिया तो ये क्या है यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको क्या हेड करते हैं ठीक है अब सुनामी इज डिराइव्ड फ्रॉम बच्चों सुनामी जो है एस से नहीं होता है है ना सुनामी क्या है टी से स्टार्ट होता है टी इसमें साइलेंट होता है तो सुनामी कहा से ड्राइव किया गया है ब्रिटिश से फ्रेंच से जापान से या लैटिन वर्ड तो बच्चों ऑप्शन क्या है हमारा देखो देखो जैसे लिखा हुआ है अगर ध्यान से आपने देख लिया तो पता चलता है ये कुछ जापानीज में लिखा हुआ है है ना तो टी एस यू सु सु बोलते हैं उसको टी एस यू सु यानी ये क्या है जापानीज वर्ड है इसी से इसको ड्राइव किया गया है सुनामी ओके यानी दिस इजDerived फ्रॉम जापानीज वर्ड टी एस यू सु ओके नेक्स्ट है हमारा वन डिड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्मड तो बच्चों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये कब बनाई गई थी दो हजार दो में कि दो हज़ार चार में कि दो हजार पाँच में कि दो हज़ार सात में तो बच्चों कापी पेन ले के ये जो डेट्स हैं इनको नोट करके रखो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चों जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये बनाई गई थी तीस मई थर्टी मई टू थाउजेंड फाइव को तो डेट नोट कर लेना तीस मई दो हजार पाँच ओके बच्चों तो नेक्स्ट है हमारा अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन या नन तो बच्चों जब हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है तो ये जो अथॉरिटी मैनेजमेंट है ये आती है किसके अंडर में होम मिनिस्टर के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इस वक्त है अमित शाह जी ओके okay? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बहुत ध्यान से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पूछे जा सकते हैं इनको नोट कर लेना या कई बार देख लेना वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको लगभग अगर न्यूज़ देखते हो तो पता होगा कि न्यू दिल्ली में बना हुआ है बहुत बड़ा बहुत बड़ा बड़े लार्ज जो है एरिया में ये बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट है ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का यानी न्यू दिल्ली में है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन इज लीडिंग कॉज डेथ एंड डिजीज वर्ल्ड वाइड तो बच्चों जो देखो क्या है कि डेथ के लिए चाहे वाटर पॉल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो चाहे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो या सॉयल पोल्यूशन हो सभी जिम्मेदार हैं सभी की वजह से डेथ हो सकती हैं लेकिन जहाँ पे बात की जाए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो मेन रीज़न है सबसे ज़्यादा डेथ कॉज करने का और सबसे ज़्यादा डिजीज़ वर्ल्ड वाइड होने का तो बच्चों ये है हमारा जो होता आया है पास्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पानी के पीने से है ना जो अब तक का पास्ट हिस्ट्री अगर सर्च की जाए डेटा सर्च किया जाए तो जो वाटर पॉल्यूशन है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिजीज और सबसे ज़्यादा डेथ हुई है वर्ल्ड वाइड है ना यानी हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वाटर बॉर्न डिजीज जितनी भी है ओके फिर मेन सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन म्यूजिक लाउड स्पीकर ऑल यानी कि सारे के सारे हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही सिंपल है बहुत आराम से हो जाएगा द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिट्टा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अगर है तो वो क्या है कुछ भी कॉज कर रहा है किसी भी तरह की यहाँ पे एनीमिया डायरिया लॉस ऑफ लॉस ऑफ एयर दिया है यहाँ पे कोई दूसरी डिजीज होती तो वो भी रेडियो एक्टिव में तो कुछ भी कर देता है ना वो तो जेनेटिक चेंज कर देता है जेनेटिक जो अरेंजमेंट हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं उनके अरेंजमेंट को ही अलग कर देता है कैंसर कॉज कर देता है कंट्रोल्ड मैकेनिज्म जो बॉडी का होता है बहुत कुछ कर देता है रेडियो एक्टिव मतलब कोई भी डिजीज़ हो सकती है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए ओके okay? यानी ऑल यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट भोपाल गैस डिज़ास्टर इज काइंड ऑफ बच्चों अब तक अपने देश में जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक डिजास्टर हुआ है वो है भोपाल गैस डिज़ास्टर तो ये क्या है बच्चों नेशनल डिज़ास्टर है मैन मेड डिज़ास्टर है या ए एंड बी है या डी है बताओ बहुत ही पेनफुल है जिसने सुना है उसको पता होगा कि नाइन दो दिसंबर 1984 की रात थी बच्चों वहाँ पे एक गैस की फैक्ट्री थी जिससे जो है जिससे जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलती थी बच्चों कौन सी मिथाइल आइसोसाइनेट लोगों की लापरवाही की वजह से वहाँ पे जो पाइपलाइंस थी जिससे मटेरियल अपना फ्लो होता था उनकी क्लीनिंग नहीं हो पाती थी जब क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो वहाँ पे क्या होता है गंदगी का लैग हो जाता है गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है और धीरे धीरे जो पाइपलाइन होती है वो डिटोरिएट हो जाती है उसमें कहीं से डिटोरिएशन हो गया जिसकी वजह से हल्का सा गैस का लीकेज हो गया बच्चों तो कुछ दिन से तो चल रहा था लेकिन होते होते काफी ज्यादा लीकेज स्टार्ट हो गया लोगों ने कम्प्लेन भी की लेकिन उस वक्त नहीं ध्यान दिया गया इसको फिर हुआ क्या बच्चों पूरा का पूरा गांव रात में सोया और सुबह उठा ही नहीं सोचो कितना बड़ा पेनफुल था उसमें बूढ़े भी थे बच्चे भी थे जवान भी थे औरतें भी थे आदमी भी थे तो इंटरनेट पर बाकायदे अगर आप देखोगे अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर भोपाल गैस डिजास्टर बायदे वीडियोस पड़े हैं जरूर देखना है ना बच्चों तो ये कैसा था मैन मेड डिज़ास्टर लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से डिज़ास्टर हुआ है ओके तो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड अब जो ने देखो ये तो हो गया मैन मेड जो कुछ लोगों की बेवकूफ़ी से हुआ हो अब नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है फ्लड आना या कहीं एक्सप्लोजन होना या डैम फेल्योर या लीकेज ऑफ गैस तो लीकेज ऑफ गैस हो गया डैम बनाया अगर बेवकूफ़ी से टूट गया या एक्सप्लोजन किया गलत जगह एक्सप्लोजन कर दिया गलत टाइम पे कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे मैन मेड हो जाएंगे लेकिन फ्लड बाढ़ आ जाना ये नेचुरल डिजास्टर है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ओके यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट है एट वॉट लेवल साउंड बिकम्स फिजिकल पेन बहुत सिंपल सा है कि अट्टी अस्सी डेसीबल के ऊपर हम जो है अगर सुनते हैं तो वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक है ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेडियोक्टिव मटीरियल इज लार्जली एसोसिएटेड विद बोन मैरो कैंसर तो बच्चों बोन मैरो कैंसर के लिए हमारा इस्ट्रॉन टीएम नाइन्टी अभी मैंने जब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ाया था आप लोग सेकेंड ईयर में हो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में यह पढ़ रखा होगा कि बहुत सारे हैं ना जो जैसे आयोडीन वन थर्टी वन हो गया ये किसके लिए गोइर के लिए हो गया या इस्ट्रॉन टीएम नाइन्टी हो गया ये किसके बोन मैरो कैंसर के लिए एसोसिएटेड होता है ओके तो हमारा ऑप्शन क्या है सी ट्वेंटी नाइन्टी इज द करेक्ट आंसर एसिड रेन कंटेन्स बच्चों सिक्स सेवेंथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब मिल जाते हैं तो क्या होती है एसिड रेन ए एंड बी ऑप्शन यानी सी सही है है ना द अकरेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी इन हायर ट्रॉफिक लेवल इज टर्म एज तो बच्चों ये जो टर्म है डी का जो ट्रॉफिक लेवल में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसको बोलते हैं हम इस टर्म को बोलते हैं बायो क्या बोलते हैं बायो देखो बच्चों जिसने साल भर पढ़ाई की है उसके लिए भी अच्छा और जिसने साल भर पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है उसके लिए केवल एक ही राय है मेरी क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा एम और एक एम के पैटर्न को कई बार सॉल्व करो तब तक जब तक याद ना हो जाए एक दो बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा पता लगा एग्ज़ाम के टाइम पे आएगा फिर कंफ्यूजन हो यार ये सही है कि ये सही क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही होंगे ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत ठीक है तो बार बार सॉल्व करो बाकी मल्टीपल च्वाइस कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा शाम को मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा उसमें सारी डिटेल जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो सारी डिटेल्स उसमें मौजूद होगी ओके तो वेट करो शाम तक के वीडियो का उसमें स्पेशली कोई टॉपिक नहीं होगा सिर्फ मैं हूँगा और आप होंगे ओके तो नेक्स्ट हमारा द टर्म आई एस डब्ल्यू एम रिफर्स टू देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों बहुत खतरनाक इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना ए है इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बी है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सी है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मशीन और डी है ए एंड बी तो बच्चों अगर ना पढ़े होंगे तो सिंपल सा दौड़ के डी पे जो है टिक कर दोगे है ना टिक क्या है इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट तो बच्चों जो एब्रीविएशन है आई एस डब्ल्यू एम इसके दो फुल फॉर्म नहीं हो सकते यानी ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता यानी जो डी ऑप्शन है जिसमें बोथ दिया है वो तो हो ही नहीं सकता कोई एक ही होगा तो बच्चों जो बी है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दैट इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट है अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉर एस डब्ल्यू एम आर फॉलो टूडे कि गवर्नमेंट की कौन सी गाइडलाइन है जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बनाई गई है या कब बनाई गई है तो ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 बच्चों या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 या सॉलिड वेस्ट रूल 2000 या सॉलिड वेस्ट रूल 2016 तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा सॉलिड वेस्ट रूल 2016 2016 में बनाया गया था किसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ध्यान रखना ईयर याद रखना जरूर है ना विच गैस प्रोड्यूस इन ओपन डम्प्स जो बच्चों ये भी काफ़ी जो है सिंपल सा क्वेश्चन डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल गैस कहीं पे भी अगर कूड़ा डंप कर दिया गया तो वहां से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है मीथेन गैस निकलती है यानी बी ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट है वॉट इज इको मार्क हाँ बच्चों ये इको मार्क क्या होता है इको मार्क मतलब लेबल गिवेन टू रिसाइकल प्रोडक्ट लेबल गिवन टू नॉन रिसाइक रिसाइकिलेबल प्रोडक्ट लेबल गिवन टू एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट या लैंडमार्क इंडिकेटिंग द बाउंड्रीज ऑफ बायो पार्क तो बच्चों जो इको मार्क होता है ये जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं है? तो उस पर ई ई बना होता है बड़ा सा ग्रीन कलर का ई ई बना होता है उसी को बोलते हैं क्या इको मार्क जैसे हॉल मार्क में एच बना होता है और सर्कल में वैसे इको मार्क में ई बना होता है और सर्कल रहता है ग्रीन कलर का तो ये क्या है पता चलता है उससे क्या ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अब पैरामीटर इम्पोर्टेंट यूनिट पैरामीटर पी इम्पोर्टेंट आई यूनिट यू मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है फुल फॉर्म भी लिखा है एग्जाम में ध्यान रखना दोनों बा सकते हैं या तो पैरामीटर इम्पोर्टेंट यूनिट भी पूछ सकता है या सिंपल पी आई यू इज आ पूछ लिया तो फिर सर खुजलाते रहोगे कि पी आई यू क्या होता है इसीलिए मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है ना तो इनको ध्यान देना वेटेज टू पैरामीटर्स सब्जेक्टिव प्रोसेस टेक्निक टू सेलेक्ट पैरामीटर या नानी तो बच्चों इसका मतलब होता है वेटेज टू पैरामीटर्स वेटेज टू द पैरामीटर्स जितने भी एब्रीवियशन या फुल फॉर्म है इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना देखो बच्चों अगर कुछ बिना पढ़ा आ गया तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन पढ़ा हुआ अगर गलत हो गया तो बहुत पछतावा होता है यानी ध्यान से पढ़ना ठीक नेक्स्ट ई आई ए अब देखो यहाँ पे भी ई आई ए से भी पूछा जा सकता है ई आई ए का फुल फॉर्म क्या होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रोबेबल चेंजेज़ इन इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस से किया जाता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोबेबल चेंज मतलब किसी तरह का कुछ हुआ है उस किसकी वजह से इन्वायरमेंट में कैसे चेंज आए हैं तो इसका मतलब क्या है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या बायो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन्वायरमेंट तो बच्चों ये सारे हैं यानी तो डी ऑप्शन हमारा सही है ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मैनुफेक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जो जीव होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते उस वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स ठीक है क्या बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स अब कहां पे कंफ्यूजन होगा कंज्यूमर भी तो हो सकता है बिल्कुल हेटरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स बट ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स यानी हेटरोट्रॉप्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर ओके बच्चों तो डी सही है नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल बैलेंस एमोंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम इज कॉल्ड फंक्शनल बैलेंस एमोंग वेरियस कंपोनेंट जो बहुत सा इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट होते हैं उन इस इन सारी चीज़ों के ये जो बैलेंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ नेचर तो ये सारी चीज़ें जो है होम्योस्टेसिस को मेनटेन करके रखता है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को से यानी सब कुछ बराबर है बैलेंस है यानी बनने वाला खाने वाला एक्सक्रीट करने वाला सब कुछ बराबर है ना बैलेंस ऑफ नेचर इससे बना रहता है ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड अर्थ रिसोर्स बिकॉज दे आर ऑप्टेंड फ्रॉम हाँ भाई कहाँ से जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर तो क्या है हमारा डी ऑप्शन हमारा सही है अब बच्चा चिपको आंदोलन वॉज लॉन्च फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने चिपको आंदोलन लॉन्च किया था सुंदर लाल बहुगुणा जी है ना तो न्यूज़ में देखा होगा कि वो बेचारे वो एक्सपायर हो गए थे है ना तो ये जो चिपको आंदोलन है बच्चों ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था तो क्वेश्चन वो भी बन सकता है है ना तो ये किसके लिए बनाया था ये बनाया था पेड़ पौधे जंगलों को सेव करने के लिए वो क्या आंदोलन में जहाँ पे जंगल कटते थे लोगों को लेके जाते थे लोग क्या है औरतें होती थी बच्चे होते थे आदमी होते थे वो क्या करते थे पेड़ों के साथ चिपक जाते थे क्या होते थे उसको पकड़ लेते थे तो इसी चिपक जाते थे उसी से इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया चिपको आंदोलन मतलब जहाँ पेड़ देखे वहाँ चिपक जाओ ताकि उसको काटे नहीं कोई है ना तो उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया थानी ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट लास्ट वन हमारा कॉज ऑफ फ्लड इज़ फ्लड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल भाई डिफॉरेस्टेशन ऑफ़ वाटर शेड रिवर्स क्रॉप कल्टिवेशन इन वेट एरिया आ डिस्ट्रक्शन ऑफ वेट लैंड ब्लॉक रिवर्स वे ड्यू टू लैंड स्लाइड्स तो ये सारे जो रीज़न है बच्चों ये सारे रीज़न क्या है किसके लिए हैं फ्लड के होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओके तो ये फिफ्टी क्वेश्चन तब तक सॉल्व करते रहना जब तक कि याद ना हो जाए है ना और उसके बाद वेट करो किसका नेक्स्ट सीरीज का शाम तक हो सकता है कुछ ना कुछ और वेब क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएँ ओके बच्चों तो इनको पढ़ते रहिए तब तक, तक और लोगों को शेयर करते रहिए ठीक बाय बच्चों